Assalamualaikum class, how are you all? I hope you all are fine. Class, I'm your math teacher. My name is Sana Ahmed. Class, take out your math copies. Hurry up. All of you, apni math copies nikale. Tamam bachche. कल हमने जो है वो टेबल लिखा था, आज हम शीट का टेबल करेंगे। तो जल्दी से जो है आप लोग अपनी मैसेज कॉपी निकालें। आप लोगों ने लाइन ड्रॉ हुई भी है, जैसे कि आपको पता है आपने डेट डालनी है आज की, और आपने डे लिखना है आज का। डेट एंड डे दोनों आप लोग डालेंगे और आप लोग जो है काम करेंगे। ओके क्लास, जल्दी से आपने जो है ये क्वेश्चन लिखना है। राइट टेबल ऑफ टू, सॉरी थ्री, आपने थ्री का टेबल लिखना है। आपने जो है ये लाइन वाइज में आप एक बॉक्स में आपके एक ही वर्ड आना चाहिए, मतलब मैं ये थ्री से बाद ये फिर वन इक्वल टू थ्री, थ्री वन जा थ्री, थ्री टू जा सिक्स, थ्री थ्री जा नाइन, थ्री फोर जा ट्वेल्व, थ्री फाइव जा फिफ्टीन, थ्री सिक्स जा एटीन, थ्री सेवन जा ट्वेंटी वन, थ्री एट जा ट्वेंटी फोर, थ्री नाइन जा ट्वेंटी सेवन, थ्री टेन जा थर्टी। ये काम आपने अपनी कॉपी में करना है। कल हमने जो है वो टू का टेबल किया था, आज आप जो है वो पेज टर्न करेंगे पेज, और नेक्स्ट पेज पे आपने टेबल लिखना है थ्री का। जिस तरीके से आपने टू का टेबल किया था बिल्कुल सेम वैसे ही आपने आज थ्री का टेबल करना है। मार्जिन आपके ड्रॉ हुई भी है ऊपर भी और साइड में भी, आपने ये लाइन आपके ड्रॉ हुई नहीं है। आपने जो है आज की डेट डालनी है, आज का डेट लिखना है। जब भी जो भी काम करेंगे उसमें आपने डेट एंड डेट लाजमी डालनी है। ओके, आपने ये जहाँ आपकी लाइन खत्म हुई है आपने ऊपर लाइन के नीचे आपने जो है क्वेश्चन लिखना है। राइट टेबल ऑफ थ्री, उसके बाद आपने बिल्कुल सेम एज इट इज वैसे ही थ्री का टेबल करना है। आपके पास बॉक्सेस वाली कॉपी है, आपने एक बॉक्स में एक ही नंबर लिखना है। ओके क्लास, जल्दी से जो है आप लोग कॉपी में ये काम करें। क्लास, तमाम बच्चे अपनी बुक्स ओपन करें। कल हमने एडिशन का काम किया था, आज हम सब्ट्रैक्शन का काम कर रहे हैं। जल्दी से तमाम बच्चे जो है आज अपनी बुक्स ओपन करें, पेज नंबर सेवन। ऑल ऑफ यू ओपन योर बुक पेज नंबर सेवन। हरिया, लास्ट क्लास है, कल जो है हमने एडिशन का काम किया था और मैंने आप सबको जो है वो होमवर्क में भी दिया था। आई होप आप लोगों ने कर लिया होगा। आज हम पेज नंबर सेवन कर रहे हैं सब्ट्रैक्शन। तमाम बच्चे जल्दी से जो है वो अपनी बुक्स ओपन करें और आज हम जो है वो पेज नंबर सेवन का काम करेंगे जल्दी से। ओके क्लास, हमारा पेज नंबर सेवन पे हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर वन, सब्ट्रैक्शन मतलब कि माइनस। आपको पता है कल हमने एडिशन किया था, मींस के ऐड करना, जमा करना, सब्ट्रैक्शन मतलब निकालना। क्वेश्चन नंबर वन है हमारा, यूज द नंबर लाइन टू हेल्प यू सब्ट्रैक्ट। हम इन नंबर लाइंस को यूज करके जो है वो सब्ट्रैक्ट करेंगे। मैंने आपको बताया था कि हम इन नंबर लाइंस को भी यूज करके सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं, हम फिंगर्स की हेल्प से भी कर सकते हैं, हम लोग लाइंस की हेल्प से भी कर सकते हैं। हमें कोई इशू नहीं होगा, हम अपनी जो है जिस तरीके से हमें आसानी लगेगी हम करेंगे। लेकिन इस क्वेश्चन में हम इस तरीके से कर सकते हैं कि हम नंबर लाइन को यूज करें और उसमें करें। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है सेवन माइनस फाइव। आपने क्या करना है, आप नंबर लाइन्स को यूज करेंगे, हमें निकालना है सेवन, हमारे पास जो है उनमें से हमें माइनस करना है फाइव। ओके, जल्दी से हम सेवन डालेंगे, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन, इसमें हमें माइनस क्या करना है फाइव। हम फाइव स्टेप पीछे चले जाएंगे, वन टू थ्री फोर फाइव। आप मुझे बताएं कि आप लोगों के पास कितने स्टेप्स बाकी रहेगा पीछे, टू। हम यहाँ ये लिखेंगे टू। ओके, जल्दी से नंबर वन में जो है आप लोग की आसानी के लिए भी आप लोगों ने जो है ये करना है, इसमें आपने जो है माइनस करना है। मैंने आपको बताया अब हम जो है वो बी पॉइंट करेंगे, ए पॉइंट मैंने आप लोग की आसानी के लिए कर दिया था, अब हम बी पॉइंट की तरफ आएंगे। आपने के जी टू क्लास में भी किया था और अब दोबारा हम लोग कर रहे हैं ताकि आप लोग जो है वो आसानी से
कर सके, आप लोग का जो है वो रिवाइज हो जाए, रिविजन हो जाए दोबारा। अच्छा, अब आपका डी पॉइंट में है 8-4। अब हम काउंटिंग करेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। 8 तक आए हम, उसमें जाना है माइनस क्या करना है, सब्ट्रैक्ट क्या करना है, हमें 4 करना है। 4 स्टेप पीछे रहेंगे 1, 2, 3, 4। पीछे हमारे पास कितने रह गए, 1, कितनी लाइन्स रह गई, 1, 2, 3, 4। यहाँ हमारे पास क्या आएगा, 4। जल्दी से डी पॉइंट में आपको 4 लिखे हैं, 8 में से हमने माइनस किया, हमारे पास आया 4। इसी तरीके से सेम एज इट इज आपने ये करना है, सी पॉइंट में हमें जो है 8 में से माइनस करना है 1 को। काउंटिंग करेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। 8 तक आए, अब एक माइनस क्या करना है, 1। हम एक पॉइंट माइनस करेंगे, कितने है यहाँ पर, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। क्या यहाँ क्या लिखेंगे, 7। ओके, तो जल्दी से आप यहाँ पर सी पॉइंट में 7 लिखें। आप लोग को आगे होगा, आप लोग खुद से भी कर सकते हैं, बहुत इजी है। आप लोग के हेल्प के लिए मैं आप लोग को बताती जाती हूँ। डी पॉइंट में भी बिल्कुल ऐसे ही हमने करना है, हमें 4 में से माइनस करना है 3 को। हम फोर सब पे जाएंगे 1, 2, 3, 4। 4 तक है, और इसमें से हमें माइनस क्या करना है, 3। 3 लाइन हम पीछे जाएंगे 1, 2, 3, बाकी हमारे उसके यहाँ बची 1। हम यहाँ क्या लिखेंगे, 4-3=1। ओके, डी पॉइंट में हमारे पास आएगा 1। इसी तरीके से हमारे पास है ई पॉइंट में 9-6। जल्दी से आप मुझे ये करके बताएं, ई एफ जी एच, जल्दी से मुझे ये जो है आप चारों करके बताएं। बहुत ईजी है, बहुत सिंपल सा है, आप लोग को समझ आ गया होगा। आप लोग जल्दी से जो है इसे करें, मुझे बताएं कि आप लोगों ने ये कर लिए। ओके क्लास, अब हमने जो है क्वेश्चन नंबर 2 करना है। क्वेश्चन नंबर 1 आप लोगों ने कर लिया होगा, बहुत ही सिंपल था। इसी तरीके से हमने जो है क्वेश्चन नंबर 2 करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, माइनस करना है। 4 में से हम 1 माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 4। आप लोग फिंगर की हेल्प से भी कर सकते हैं, आप लाइन ड्रॉ करके ड्रॉ पेपर पे भी कर सकते हैं, आप लोग जो है वो नंबर 9 को यूज करके भी कर सकते हैं। तो आप लोग को इसमें कोई इशू प्रॉब्लम नहीं होगी, आपने जो है वो जल्दी से इसे करना है। अब ये करें आप लोग, 4 में से हमें माइनस करना है 1। 4 लाइन डालेंगे आप लोग, या ऊपर से भी आप हेल्प दे सकते हैं। हमें क्या काउंट करना है, 4, 1, 2, 3, 4। 4 में से हमें माइनस क्या करना है, 1। 4 में से आप एक स्टेप ये लाइन हमने माइनस की, हमारे पास क्या बचा, 1, 2, 3। यहाँ हमारे पास क्या आ गया, 3। तो जल्दी से आपको यहाँ पर 3 दिखे। इसी तरीके से हमने करना है 10-3। 10 में से हम 3 माइनस करेंगे, हमारे पास क्या आंसर आएगा, नंबर लाइन से भी आप हेल्प कर सकते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ये 10 लाइन्स हैं, इनमें से हमें माइनस क्या करना है, 3। वो 3 लाइन माइनस करेंगे, 1, 2, 3 माइनस की, अब हमारे पास क्या बचा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। हमारे पास ये आंसर क्या आएगा, 7। 10-3=7। यहाँ हमारे पास आंसर आएगा 7। इसी तरीके से ये होगा 4-2। 4 में से हम 2 माइनस करेंगे, हमारे पास क्या आएगा, सबको पता होगा, यहाँ हमारे पास 4 में से माइनस करेंगे हम तो यहाँ पर आएगा, 4 में से हम माइनस करेंगे 2 को, हमारे पास आएगा 2। ओके, आप लोग के एग्जाम्पल के लिए मैं आप लोग को समझा देती हूँ। फॉर एग्जाम्पल, आप लोगों के पास 4 पेंसिल्स हैं, 2 आपने पेंसिल जो है अपने फ्रेंड को दे दी, और बाकी और 4 में से आपने 2 पेंसिल अपनी फ्रेंड को दे दी। अब मुझे बताएं कि 4 में से जब 2 पेंसिल्स चली गई हैं तो पीछे आपके पास कितनी रह गई, 2। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, 2। इसी तरीके से डी पॉइंट भी करेंगे, 10 में से हम माइनस करेंगे 1। 10 में से हमें माइनस करना है 1 को, काउंट करेंगे 10 तक, या हमने जो है वो 10 तक काउंट कर ली पूरी। इसके बाद हमें माइनस क्या करना है, 1। 1 माइनस करेंगे, ये वाली लाइन हमारी माइनस हुई। उसके बाद हमने 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। हमारे पास ये आंसर क्या आएगा, 9। तो हमने यहाँ लिखना क्या है, डी पॉइंट में 9 लिखेंगे। इसी तरीके से हमारे पास ई पॉइंट में है, 10 में से हमें माइनस करना है 2 को। 10 में से हम 2 को माइनस करेंगे,
नंबर लाइन की हेल्प से भी कर सकते हैं. आपको पता है 10 हमारे पास की लाइन्स हो गई, इनमें से हमें कितने हमें स्टेप बचाना है, 2 स्टेप 1 2, हमें 2 माइनस कर लिया. उसके बाद हमारे पास क्या बचा, 1 2 3 4 5 6 7 8, 10 माइनस 2 8, यहाँ हम लिखेंगे 8. इसी तरीके से ये एफ भी है, 6 में से हमें माइनस करना है 3 को. काउंटिंग करेंगे 1 2 3 4 5 6, 6 में हमें माइनस क्या करना है, 3 लाइन का माइनस करेंगे 1 2 3, थ्री स्टेप्स नीचे गए. अब हमारे पास कितने बचे, 1 2 3, यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, 3 6 माइनस 3 3. जल्दी से आप ये वाला करें, हम जी एच और आई आइए, बहुत ही आसान काम है. ये आपने जस्ट जो है वो बुक में ही करना है, ये आप लोग का बुक वर्क है, ये आपने कॉपी में नहीं करना. कॉपी में हमने जो है वो 3 तो टेबल किया है, उसके अलावा हम और कोई काम अभी नहीं कर रहे हैं. अभी ये वाला काम भी आपने बुक में ही करना है, ये आपका बुक वर्क का काम है, आपने ये कॉपी में नहीं करना. ओके क्लास, जल्दी से इसे कंप्लीट करें ताकि हम आगे जो है वो फिर कर सके काम. ओके क्लास, जल्दी से इसे फाइनल करें, उसके बाद हम पेज नंबर, मैं आपको होमवर्क के लिए बता दूं, होमवर्क बिल्कुल हमारा इसी तरीके से है. पेज नंबर 9 है हमारा, ये आपने होमवर्क में करना है. ये आपका नहीं सॉरी, इसमें हमारे पास जो है वो एडिशन भी है और सब्ट्रैक्शन भी है. ओके, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन आप लोग कर चुके हैं, इसमें आपको कोई मसला नहीं होगा. इसमें आपने एडिशन का काम करना है और आपने इसमें जो है वो सब्ट्रैक्शन का काम करना है. फर्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास जो है पेज नंबर 9 पे आप लोगों का होमवर्क है, ये अभी आपने नहीं करना, ये आपने होमवर्क का है आप लोगों का. इसमें आप लोगों को करना ये है कि इसमें आप लोगों को ऐड करना है क्वेश्चन नंबर 1 में, और क्वेश्चन नंबर 2 में हमें करना है सब्ट्रैक्शन, जो कि माइनस आपको पता है. 2 पॉइंट में आप लोगों के पास सामने लिखा हुआ है 1 प्लस 9 इक्वल टू 1, में हम 9 प्लस करेंगे हमारे पास क्या आएगा, हम ऊपर से भी कर सकते हैं नंबर लाइन्स को यूज करके 1, उसके बाद हमें 9 ऐड करना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9. अब आप टोटल काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, एंड 1 ऐड किया हमने, 10. तो ये हमारे पास क्या आ गया, 10. अब इन्होंने हमें यहाँ पर दिया हुआ है डैश प्लस 10 इक्वल टू 10. हमें ऐसा कोई नंबर ऐड करना है जिससे जो है वो 10 आंसर आए. ऐसा कोई है, 0 0 प्लस 10 इक्वल टू 10. जब हम 10 में कुछ ऐड ही नहीं करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, वो 10 ही आएगा. ओके, तो हम बी कॉलम में हम क्या लिखेंगे, 0 0 प्लस 10 इक्वल टू 10. ओके, इसी तरीके से हमारे पास सी पॉइंट है, 2 प्लस 8 इक्वल टू, बॉक्स बना हुआ है उसमें हमें तो कुछ नहीं लिखा हुआ, तो इसमें हमें ही लिखना है पेंसिल से. 2 में हम ऐड करेंगे 8, ऐड करें 1 2, अब हमें इसमें ऐड क्या करना है, 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, क्या आंसर आया हमारे पास, 10. दोबारा काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यहाँ हम क्या लिखेंगे, 10. ओके, इसी तरीके से बिल्कुल हमारे पास डी पॉइंट का आपके सामने है. ये आपका होमवर्क है, ये अभी नहीं करना आपने, ये आपने बुक का होमवर्क है, आपने घर पे ही करना है. ये मैं जस्ट आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ, ये लास्ट में आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ, उसके बाद मैं सब्ट्रैक्शन पे आ जाऊंगी. इन्होंने डैश दिया था, उसके हमें प्लस करना था 6, जिससे हमारे पास ऐसे नंबर हमें ऐड करना था जिससे हम प्लस करते 6 में, तो हमारे पास आंसर आता 10. तो हमने यहाँ क्या किया, हमने यहाँ पर 4 प्लस 6 किया, तो हमारे पास आंसर आया 10. ओके, तो आपने ये सब्ट्रैक्शन करना है, सॉरी एडिशन करना है. ये क्वेश्चन नंबर 1 हमारा एडिशन का है, ये आपने एडिशन करना है और ये आपने बुक में ही करना है. इसी तरीके से हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है, जिसमें जो है हमें
हमें सब्ट्रैक्शन करनी है, ये सारे जो हमें 10 में से ही माइनस करने हैं. ओके, 10 माइनस 2 इक्वल टू 10 में से हम माइनस करेंगे 2 को, तो हमारे पास क्या आएगा, ऐसे भी देख सकते हैं हम लोग नंबर लाइन को यूज करते हुए, नीचे ही हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 में से हमें कितने स्टेप पे जाना है, 2 स्टेप, 1 2. उसके बाद हमारे पास क्या बचा, 1 2 3 4 5 6 7 8, हमारे पास आंसर क्या आया, 8. ओके, बिल्कुल इसी तरीके से हम बी करेंगे, हमें 10 में से कुछ ऐसा माइनस करना है जिससे हमारा आंसर आए 5. हम यहाँ से 10 तक लाइन काउंट कर लेंगे, उसमें से हमें क्या ऐसा माइनस करना है कि हमें हमारे पास जो है वो 5 है, 1 2 3 4 5 माइनस कर देंगे, उसके बाद हमारे पास आंसर क्या आया, 1 2 3 4 5, तो हमारे पास यहाँ पे क्या आएगा, 5. 10 माइनस 5 इक्वल टू 5. ओके, बिल्कुल सेम एज इट इज आपने ये करने हैं. ये पेज नंबर 9 आप लोग का होमवर्क है, आपने ये होमवर्क में करना है. ओके क्लास, और आपको जो है मैंने होमवर्क में भी काम दिया था, तो आप मुझे वो भी दिखाइएगा. और अगर आपको कुछ भी पूछना है, आप जो है वो लास्ट के 10 मिनट्स में मैं आपसे क्वेश्चन लूंगी, आप वो लिख सकते हैं. ये आपका होमवर्क है, ये आपका होमवर्क है, आपने ये होमवर्क डायरी निकाला, ऑल ऑफ यू ओपन योर डायरीज, आप लोग होमवर्क लिखें.